हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम क्लास टू रिमझिम पाठ्य पुस्तक के पहला पाठ अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है ऊंट चला। पाठ का नाम क्या है? ऊंट चला। प्रस्तुत कविता में ऊंट के बारे में बताया गया है। ये देख रहे हो बच्चों, ये ऊंट है। प्रस्तुत कविता में ऊंट के बारे में बताया गया है। ऊंट काफी ऊंचा होता है, ठीक है? देख रहे हो ना कितना ऊंचा है। ठीक है, आज हम इस ऊंट के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई, ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंट कैसे चला भाई? ऊंट कैसे चलता है? ऊंट हिलता डुलता चलता है। ऊंट काफी ऊंचा होता है और ऊंट की गर्दन ऊंची होती है। ये इसकी गर्दन है, ये इसकी गर्दन है, ये देखो कितनी ऊंची होती है। ये क्या है बच्चों? ये इसका पीठ का भाग है, इसको कुब्बड़ कहते हैं। ऊंट जब चलता है पीठ उठाकर चलता है। पेज नंबर टू, टर्न द पेपर। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई, ऊंट चला। ऊंट कहाँ चलता है? ऊंट बालू में चलता है। बच्चों, इस पिक्चर देखो, ये जो पिक्चर है ये रेगिस्तान का पिक्चर है और यहाँ जितना बालू है ये देख रहे हो, कितना बालू है, बहुत सारा बालू है कि नहीं, इसको रेत भी कहते हैं। यहाँ पर ये आसानी से चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि इसका पैर गड्ढेदार होते हैं और इसी वजह से ये बालू में फंसता नहीं है। जब ऊंट थक जाएगा तब वो बैठेगा। कब बैठेगा ऊंट? जब ऊंट थक जाएगा। बता सकते हो वो किस करवट बैठेगा? बच्चों, इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ऊंट बालू में भी आसानी से चल सकता है। वह कई दिनों तक बिना खाए पिए रह भी सकता है, इसलिए उसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। आज इतना, धन्यवाद।